दुर्ग भोपाल इटारसी समेत देश के 11 रेलवे स्टेशनों और 6 राज्यों के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दुर्ग सहित देश के कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने एक पत्र भेजा है जिसमें 8 अक्टूबर को हमला करने की धमकी दी गई है। पत्र में दुर्ग, रोहतक जंक्शन, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, मुंबई सिटी, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, भोपाल, कोटा, इटारसी रेलवे स्टेशनों और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, यूपी और हरियाणा सहित 6 राज्यों के मंदिरों को निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। इधर चिट्ठी के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में दुर्ग के साथ रायपुर स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया। मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना था कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और सुरक्षा में कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पहले के अनुसार पुख्ता है और हम इसके संबंध में उनसे एक बैठक भी आयोजित कर रहे हैं और उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनको हमारा कोई और सहयोग अगर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चाहिए होगा तो हम उनको पूरा सहयोग वैसा देंगे और साथ ही साथ हमारे जो अपनी सुरक्षा के संबंधित नॉर्म्स हैं उनको हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आसपास के जितने वो इलाके हैं उन इलाकों पर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर सकें। देखिए, वो चिट्ठी जैसे मोहम्मद का है कि नहीं है ये भी एक विचारणी है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद है।